वेलकम बैक फ्रेंड्स, आज पास एडजस्टमेंट की आपके साथ वीडियो नंबर 2 शेयर कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपके साथ सीबीएसई सैंपल पेपर 18-19 का क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस किया था, उसी में पेपर में चॉइस दे रखी है, तो आज आपसे चॉइस वाला पार्ट करेंगे। इट मींस क्वेश्चन 15 सेम है बट चॉइस वाला पार्ट आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर आपके पास पेपर्स ना हो तो आप हमारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब आपके साथ जरा क्वेश्चन पेपर और जरा स्क्रीन पे डिस्कशन करना स्टार्ट करते हैं। दोबारा से फोकस इस पे बेटे, ये स्क्रीन पे आपके सामने क्वेश्चन आ गया। अगेन क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये ध्यान दिया करो सर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट क्या है। नीचे लिखा है पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, इट मींस प्रेजेंटेशन पार्ट जर्नल एंट्रीज के टाइम करना फॉर द अबव एडजस्टमेंट्स इन द बुक्स ऑफ फर्म। और लास्ट में लिखा है शो वर्किंग्स क्लियरली, इट मींस वर्किंग नोट इज अ पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, वर्किंग्स को क्लियरली बनाना है और एंट्री पे फोकस करना। सर यहाँ लिखा हुआ है जनरल एंट्री, कुछ बच्चों का क्वेश्चन ये था क्या सर हमें हर चीज की अलग अलग एंट्री करनी है। बेटे क्वेश्चन आपको चीख चीख के बोल रहा है जनरल एंट्री, एंट्रीज नहीं लिखा, इट मींस एक ही एंट्री पास करनी है और वो है रेक्टिफाई एंट्री। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। द पार्टनर्स ऑफ द फर्म आलिया भानु एंड चांद डिस्ट्रीब्यूटेड द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। 80,000 का प्रॉफिट था और उन्होंने बांट लिया है 3-3-2 की रेशो में। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आ गई विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स, इट मींस अकाउंटेंट ने 80,000 का प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर लिया विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग एडजस्टमेंट। ना ए लिया, ना बी लिया, ना सी लिया, सीधा 80,000 को उन्होंने गलती से किस रेशो में बांट दिया 3-3-2। बेटे एक बार ऐसे कैलकुलेट कर लें जरा, 3-3-2 मींस 8 से डिवाइड करेंगे तो आ गया 10,000। इट मींस ए को मिला 30,000, बी को मिला 30,000 और सी को मिला 20,000। ये गलत है बट हम यहाँ पे पहले बनाएंगे करेक्ट प्रॉफिट। अब जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या करेक्ट बनाना चाहिए। आलिया और चांद वर एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ ₹1500 ईच पर एनम। दोस्तों सीबीएसई के सैंपल पेपर में एक छोटी सी मिस्टेक आ गई थी, जहां ये लिखा हुआ है पर एनम, आप भी अपने क्वेश्चंस पेपर में इसको रेक्टिफाई कर लेना, ये पर एनम नहीं है, ये पर मंथ है। तो क्वेश्चन पेपर के अंदर एक एरर था, मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। दोस्तों ₹1500 हर महीने सैलरी मिलती है तो पूरे साल की सैलरी कितनी हो गई 18,000। तो ए और सी को सैलरी मिलेगी 18,000, भानु को कमीशन मिलेगा 4,000। भानु एंड चांद हेड गारंटेड। एक और पॉइंट आ गया, इट मींस इस क्वेश्चन के थ्रू तीन टॉपिक्स आपके साथ मैंने डिस्कस करने हैं। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, गारंटी भी आ गया और पास एडजस्टमेंट भी आ गया। तो ये इस तरह के क्वेश्चंस कंफर्म है 6 मार्कर पेपर के अंदर। गारंटी पढ़ लेते हैं जरा क्या लिखा हुआ। बी और सी ने गारंटी दी है कि मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा 35,000 पर एनम टू आलिया। बेटे आलिया को गारंटी मिली है 35,000 के प्रॉफिट की। एनी डिफिशिएंसी, अगर कुछ कमी हुई, शैल बी बॉर्न बाय इक्वली बाय बी एंड सी। अगर कोई डिफिशिएंसी होती है आलिया को, उसको गारंटी मिलेगी 35,000 की। अगर कोई डिफिशिएंसी है तो आप बांटोगे इक्वली, आधा बी देगा और आधा सी देगा। तीन टॉपिक्स कवर हो गए हैं और अब मैं आता हूं इसके सॉल्यूशन पे। सॉल्यूशन पे वहीं से स्टार्ट करेंगे, पहले मैं आपको करेक्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन सिखाऊंगा हाउ टू प्रिपेयर करेक्ट, उसके बाद गारंटी डिस्कस करेंगे और फिर लास्ट में करेंगे रेक्टिफाई एंट्री। तो दोस्तों अब स्क्रीन पे आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हम सॉल्यूशन इसका। बेटे सॉल्यूशन आपके सामने मैंने प्रेजेंट किया है, यहां पे बना रखा है पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये करेक्ट बना रहा हूं। बेटे गलती बाद में याद करेंगे, गलती क्या करेंगे अकाउंटेंट, पहले करेक्ट पीएनएल एप्रोप्रिएशन और गारंटी को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन रीड करना स्टार्ट करते हैं। आपको प्रॉफिट दे रखा था 80,000, दोस्तों जरा स्पीड से करेंगे। 80,000 का प्रॉफिट था, मैंने यहां लिखा है आईओसी, क्वेश्चन में आईओसी गिवन नहीं था इसलिए मैंने क्रॉस लगा दिया। उसके बाद लिखा हुआ है सैलरी, ए और सी को सैलरी मिलती थी 1500 पर मंथ। तो ए और सी की सैलरी, ए को मिल गई पूरे साल की 18,000 और सी को भी सैलरी कितनी मिल गई 18,000, ये इनकी सैलरी होगी। नेक्स्ट पॉइंट बी पॉइंट, भानु को कमीशन मिल रहा था 4,000, तो हमने भानु को कमीशन दे दिया 4,000 का। उसके बाद कह रहे थे कि जो प्रॉफिट है उसमें गारंटी भी थी। अब आते हैं जरा ध्यान से,
पहले तो प्रॉफिट की रेशियो बताओ आप, प्रॉफिट की रेशियो दे रखी थी 3:3:2, 80,000 में से 18 और 18 होते हैं 36 और 4 40, 40,000 गए तो लेफ्ट कितना बचा 40,000। मैं उस 40,000 के प्रॉफिट को बांट रहा हूँ इस रेशियो में 3:3:2, अभी नॉर्मल क्वेश्चन कर रहे हैं। 40,000 को बांटते हैं 8 से डिवाइड किया तो कितना आ गया 5,000, यानी ए को मिलेगा 15,000, बी को मिलेगा 15,000 और सी को मिलेगा 10,000। ये मैंने 40,000 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इस 40,000 को बुक्स में कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, कुछ बुक्स कहते हैं डिविजिबल प्रॉफिट। ये मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आते हैं सी पॉइंट पे। दोस्तों एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना दिया है, अब गारंटी पे फोकस कर रहे हैं। बी और सी ने गारंटी दी थी आलिया को, कितने की गारंटी दी थी 35,000 की। पहले देखते हैं आलिया, ये आलिया, आलिया को गारंटी मिली थी कितने की मिली थी 35,000 की। यहाँ पे 15,000 है, गारंटी थी 35 की, इट मीन सर कितने पैसे और मिलेंगे, 20,000 की क्या आ गई डिफिशियंसी। और उन्होंने कहा था एनी डिफिशियंसी बॉर्न बाय बी एंड सी इक्वली, 20,000 की कमी है दोनों देंगे बराबर बराबर, इट मीन सर ये कितना देगा 10,000 ये दे देगा और सर ये कितना देगा ये भी 10,000 ही देगा। ये मैंने डिफिशियंसी की एंट्री कर दी। बट इन नेट बी को मिलेगा 5,000 का प्रॉफिट और सी को कुछ नहीं मिलेगा, सी का प्रॉफिट खत्म हो गया। तो यहाँ पे आपके साथ गारंटी डिस्कस कर ली। अगर आप चाहते हो थोड़ा सा आपको गारंटी में और एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ गारंटी। गारंटी मिली थी ए को, ए को गारंटी मिली थी 35,000 की और नॉर्मली ए को प्रॉफिट कितना आया था 15,000। 15,000 का तो प्रॉफिट वैसे ही मिल गया, मिलना था 35, इट मींस फाइनल डिफिशिएंसी आ गई 20,000 का। ये आ गई आपकी डिफिशिएंसी 20,000। क्वेश्चन में लिखा था दिस डिफिशिएंसी बॉर्न बाय बी एंड सी किस रेशियो में इक्वली। सर अगर इक्वल रेशियो ना दी होती तो आपने क्या करना था, आपने ए को छुपा देना था। बी और सी की रेशियो पुरानी कितनी थी 3:2, तो इंस्टेड ऑफ इक्वली आपने क्या लेनी थी 3:2। बट इस टाइम क्वेश्चन ने बोला था इक्वल रेशियो में बांटेंगे, इट मींस बी देगा 10,000 और सी भी कितना देगा 10,000, बी में से माइनस सी में से माइनस 10,000। तो मैंने 10,000 माइनस कर दिया और ये हमारे यहाँ पे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन हो गया खत्म। जब मैं आपको पढ़ाई रहा हूँ पास्ट एडजस्टमेंट गारंटी पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, तो आपसे छोटा सा ये भी पॉइंट डिस्कस कर लेता हूँ। सर गारंटी की जनरल एंट्री क्या होती है, ऑल दो क्वेश्चन के रिक्वायरमेंट नहीं है बट स्टिल गारंटी की जनरल एंट्री डिस्कस कर लेते हैं। बी माइनस हो रहा है, बी को 10,000 देने पड़ेंगे, सी को 10,000 देने पड़ेंगे और मिलेंगे किसको ए को, तो एंट्री होगी बी डेबिट सी डेबिट और फाइनल पैसा किसे मिलेगा ए को। यहाँ पे आंसर आएगा 10,000 और ए को कितना मिलेगा 20,000। ये एंट्री किसकी है गारंटी की डिफिशियंसी। तो ये एंट्री मैंने आपको गारंटी की कर दी थी ऑल दो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है। अब आते हैं वापस क्वेश्चन पे, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। मैंने आपको सिखाया है सब कुछ करेक्ट, अब आप मुझे बताओ फाइनली ए को कितना पैसा मिलेगा। सब कुछ करेक्ट है दोस्तों, ए पे ध्यान देना, ए को 18 ये मिला और देखते हैं सर ए को कितना मिला, ए को 35 ये मिला। मैं यहाँ पे जरा इस लेफ्ट साइड पे आपके साथ अब डिस्कस करने जा रहा हूँ एडजस्टमेंट टेबल। मैंने यहां लिखा एडजस्टमेंट टेबल, जरा स्पीड से करते हैं। तीन पार्टनर थे ए बी सी और लास्ट में लिखा मैंने टोटल। बेटे ए पे ध्यान दो, ए को 18 ये मिला था सैलरी और प्रॉफिट मिला था 35 और 18 होते हैं 53,000, तो ए को फाइनली मिलेगा 53,000। एक अमाउंट मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब नेक्स्ट आते हैं बी के अमाउंट पे। बेटा बी पे फोकस करो,
बी को कमीशन मिल रहा है 4000, एक तो ये हो गया, और चेक करते हैं सर बी को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, 5000। इट मींस फाइनली बी के पास टोटल अमाउंट आया 9000। अब आते हैं सी पे, सी पे 18000 की सैलरी है और सी के पास बेटा प्रॉफिट है ही नहीं, जीरो, यानी सी को आपको कितना मिलेगा नेट 18000। और अगर आप इसका टोटल करते हो तो ये टोटल हमेशा किसके बराबर आएगा, नेट प्रॉफिट के, कितना आ गया 18000। एक बार कर भी लेते हैं, 18 और 9 हो गया 27, 27 और 53 ये आ गया आपका 18000। बेटा बस आपने इतनी सी बात बतानी है छोटी सी, ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, सर ये है करेक्ट, और करेक्ट का मतलब क्या होता है, क्रेडिट। इतना ए को मिलेगा, बी को मिलेगा 9000 और सी को मिलेगा 18000। अगर करेक्ट अकाउंटेंट बनाता तो इतना इतना पैसा मिलता, बट क्वेश्चन में नलायक अकाउंटेंट ने क्या गलती करी। अब जरा क्वेश्चन में दोबारा से पढ़ते हैं स्टार्टिंग की लाइन। बेटे अकाउंटेंट ने 80000 का प्रॉफिट गलती से बांट दिया था 332 में विदाउट प्रोवाइडिंग द फॉलोइंग, कह रहे कुछ नहीं दिया, ना सैलरी दी, ना कमीशन दिया, ना गारंटी दी, सीधा 80000 को बांट दिया था 332 में। इट मींस अब हम आते हैं गलत, टोटल प्रॉफिट था 80000 और अकाउंटेंट ने गलती से बांट दिया। बेटे जब गलत होता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट, और उन्होंने पता है किस रेशो में बांट दिया, 3:3:2, 80000 को बांटते हैं 3:3:2 के अंदर, तो ये अमाउंट आ जाएगा 30000 और आ गया 20000। बेटा ये सही है गलत है, ये है इनकरेक्ट, बस क्वेश्चन हमारा खत्म, फाइनल एडजस्टमेंट करनी है आपने। मैं रिपीट कर देता हूँ, क्रेडिट मींस करेक्ट है इतना मिलना चाहिए, डेबिट मींस ये गलत है। अब आपने मुझे बताना है सर कौन सी साइड बड़ी आ रही है, सर क्रेडिट साइड बड़ी आ रही है, यहाँ पे कितने से बड़ी आ रही है, 23000 से। यहाँ पे देखते हैं सर, यहाँ पे डेबिट साइड बड़ी आ रही है, डेबिट साइड बड़ी आ रही है 21000 से, और यहाँ देखते हैं सर यहाँ पे डेबिट साइड ही बड़ी आ रही है, वो आ रही है 2000 से। बेटे जनरल एंट्री करनी है आपने और क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट थी पास अ जनरल एंट्री, इट मींस अब जर्नल का आपने बनाना है प्रॉपर फॉर्मेट, जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट। फॉर्मेट में क्या क्या चीजें आती हैं सर, यहाँ पे आता है लेजर फोलियो, यहाँ पे आ गया अमाउंट, इधर भी आ गया अमाउंट, इधर लेफ्ट साइड में एक कॉलम बनाते हैं हम डेट का और एक कॉलम बनाते हैं पर्टिकुलर्स का, और एंट्री आपके सामने है, बी डेबिट हो रहा है तो आप एंट्री करोगे 20 कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने से डेबिट हो रहा है 21000 से। उसके बाद सी भी सर डेबिट हो रहा है, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी का अमाउंट था 2000, ए इज कैपिटल अकाउंट और वो कितना आ रहा है 23000। Being adjustment made, that's it. ज़्यादा लंबी narration नहीं लिखनी है। और दोस्तों छोटी सी बात और, prefer करना question में instead of B, C, A, इनकी जगह instead आपने पूरा नाम लिखना है। जैसे हम बात करें A का नाम था आलिया, तो आप लिखोगे आलिया's capital account, B का नाम था भानु, भानु's capital account, और last क्या आ गया चंद, C's चंद capital account। तो ये आपके साथ मैंने पास एडजस्टमेंट की एक और वीडियो आपके साथ डिस्कस कर ली दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे एक और क्वेश्चन के लिए, 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करा देता हूं पास एडजस्टमेंट की, जिसमें ओवरऑल सब कवर हो जाएगा। स्टे ट्यून, बाय बाय, धन्यवाद।